हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। क्या फ्रेंड्स, आप अपने व्हाट्सएप का जो वीडियो होता है या मैसेज होता है, दोस्तों होता है कि कोई आदमी आपको वीडियो, फ़ोटो, ऑडियो कुछ भी भेजता है तो वो अपने आप जो है व्हाट्सएप में डाउनलोड हो जाता है और आपके मोबाइल का इंटरनेट जो MB होता है वो ख़त्म हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं और आप चाहते हैं इस ऑप्शन को बंद करना कि व्हाट्सएप पर जो ऑटो डाउनलोड होता है उसे कैसे बंद कर दें और मेरा नेट जो है बचा रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, आपको तो पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में ऊपर में कॉर्नर में 3 डॉट का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली 3 डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे 3 डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेटिंग्स का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 और 4, चौथे नंबर में स्टोरेज एंड डाटा का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली चौथे नंबर जो डाटा एंड स्टोरेज वाला ऑप्शन है उसी पे चले जाना है। उसके बाद दोस्तों जैसे उस पे जाएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मीडिया ऑटो डाउनलोड लिखा है, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप। उसके बाद दोस्तों देखेंगे व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फोटो ऑटो डाउनलोड। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे में फोटो लगा हुआ। अगर दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पर कोई भी फोटो भेजता है, अगर मेरे मोबाइल का इंटरनेट ऑन है, अगर इसमें सेलेक्ट है तो दोस्तों फोटो जो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं इसे हटा दे रहा हूँ दोस्तों देख सकते हैं खाली बॉक्स हो गया, तो दोस्तों फोटो भी अब अपने से डाउनलोड नहीं होगा। दोस्तों वीडियो लगाएंगे तो वीडियो भी आएगा तो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, अगर हटा देते हैं तो डाउनलोड होना अपने आप बंद हो जाएगा। दोस्तों मुझे सिर्फ फ़ोटो रहना देना है, अगर फोटो आता है तो उसे अपने आप ही डाउनलोड हो जाना है। तो दोस्तों मैं इसमें सिर्फ रहने दूंगा। अगर आप वीडियो में लगाना चाहते हैं वीडियो में लगा सकते हैं, हटाना चाहते हैं कि आपका वीडियो नहीं डाउनलोड हो तो दोस्तों नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसा ही ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, दोस्तों देखेंगे व्हेन कनेक्ट ऑन वाईफाई, तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट है तो दोस्तों देख सकते हैं फोटो ऑटो डाउनलोड, वीडियो ऑटो डाउनलोड, डॉक्यूमेंट ऑटो डाउनलोड। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब है कि अगर आपके मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट है तो दोस्तों फोटो आपके व्हाट्सएप पे आएगा तो अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा, फोटो ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट दोस्तों जितना भी चीज़ आएगा वो अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे भी बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों हटा सकते हैं, दोस्तों देख सकते हैं हट गया है और सिंपल आपको क्या करना, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लेंगे, उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ देखेंगे ओके का ऑप्शन है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं व्हेन रोमिंग, तो दोस्तों आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना, रोमिंग में सबको ऑफ रखना है, दोस्तों किसी भी को ऑटो डाउनलोड में नहीं रखेंगे, उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब आपके व्हाट्सएप पर जितना भी फोटो वीडियो आएगा तो वो अपने आप डाउनलोड नहीं होगा जब तक आप उसे डाउनलोड करना नहीं चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने व्हाट्सएप पर ऑटो डाउनलोड कैसे बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की दूसरे वीडियो में।